संतोख सिंह जी के गुरु की मेहर रही हमेशा कि जो काम जो सेवावान उन्होंने तो लै लिया वो भावें गुरु घर की जमीन किन्ने एकड़ किनिया हजार लखा करोड़ दमीन कभी कोई सुपना नहीं लै सकता सी। बाबा हरबंस सिंह एक दिन मैंने कहते थे कि तेरे पिता को गए इन्ने साल हो गए पर मैं गहने बनाई जा रहा, मैं गल समझ नहीं लगी जो मैं सवाल किया। वो कहते जोड़ा सोना जितना संतोख सिंह छड़ गया, सोना की है जमीन के रूप में, जे जमीन ना होंगे तो कितों कंस्ट्रक्शन होनी सी। अज बाबा हरबंस सिंह होरां नूं गया भी मैं समझदा कि 10-15 साल हो गया उन्होंने दुनिया में छड़े, अज भी उत्थे कंस्ट्रक्शन चलती पी है। मैं समझदा कि जो बाबा जी ने गल आखी सी कि बाबा बघेल सिंह जिन्होंने निशानदेही की तीन शख्सियतों दिल्ली नहीं भुलेगी, इतिहास नहीं भुलेगा। जिदा संतोख सिंह जिन्ह ने उस निशानदेही की छोटी छोटी थावान हज़ार सैकड़े एकड़ जमीन लै ली, और बाबा हरबंस सिंह जिन्होंने दिल्ली के गुरुधामों की सेवा की 1975 की आजादी लैके आए। इस अलावा मैं समझदा कि भावें पौंटा साहब होवे हमला, भावें बागबड़ी कलकत्ते होवे, भावें हमला सिखा ते किसे कोने च हो जाए, कि तराई चो सिखा के 40,000 परिवारों को पट्टन की गल आ जाए, इंग्लैंड च पगड़ी तो पाबंदी लग जाए, दिल्ली बह के जिदा संतोख सिंह ने मसले हल कराए। तुहाडा सवाल है कि बादल परिवार जिहड़ा हैगा तुसीं इस दे बारे मेरे तो सवाल किया कि मैं ज्वाइन क्यों किया। मैं समझदा वा कि जथेदार संतोख सिंह भी अकाली दल की 1950 च नींव रखी सी, 1975 जदों मास्टर तारा सिंह जी चले गए, संत फतेह सिंह जी चले गए, ये बादल परिवार आया, इन्हां दी नीतियां जथेदार जी नहीं टोक कीतियां, उन्होंने कढ़िया। 2008 च मेरे को साथ सुखबीर सिंह बादल चल के आए सी, मैनू प्रधान बनाने नूं आख्या, लेकिन मैं ये पता कि जिहड़ी 84 की लड़ाई लड़ रहा वो मैनू जब तक सरकार का दम नहीं आएगा उसनू बल नहीं मिलता। बादल परिवार ने तो अपनियां वजीरियां ते होटलों के प्लाट लैने सीगे, लेकिन मैं कामयाब होया सज्जन कुमार नूं अंदर करा च 1984 का मेमोरियल बना च, फतेह दिवस अर्गे प्रोग्राम लाल किले ते बाबा बंदा सिंह की बहादुरी बादल का तीजी शताब्दी कुतुब मीनार के उत्ते इंडिया गेट के उत्ते प्रोग्राम, इन्हों तो अलावा ब्लैकलिस्ट माफ़ करानी खत्म करानी जी कांग्रेस के राज से, एडवर्स लिस्ट खत्म करानी, जेलों में बैठे सिंह कुकी गिल हो जा, प्रोफेसर भुल्लर हो जा, सतनाम सिंह हाईजैकर हो जाए पौंटा साहब। मैं समझता किन्नियां दे मुकदमे लड़े, किन्ने केस जिते, अपने कॉलेजों ने मिनोरिटी स्टेटस लिया, अपने जिहड़े मसले सीगे उन्होंने हल कराया, 25 सालों तो जिहड़ा हल नहीं निकल रहा सीगा अफगानिस्तान के सिखा का, वो कानून पास कराने च कामयाब होए। मैं समझता कि बहुत वड्डे कानून असी पास कराए ने, और जितों तक तुसी ये आख्या कि मैं क्यों छड़ना पिया, क्योंकि मैं बादलों की लाइन क्यों नहीं की, बादलों की लाइन सी कि मैं गुरु ग्रंथ साहब से चुप रहा, मैं डेरे माफी से चुप रहा, मैं प्रोटेस्ट किया। 2017 की इलेक्शन हुई है, ये दिल पंजाब हारे ने, फरवरी के महीने च तीजी जगह जाते हैं आम आदमी पार्टी तो पिछे, दिल्ली च मैं 36 सीटा जितना, इन्हों की फोटो नहीं लाता, इन्हों इतने वड़न नहीं दिता, ये तकलीफ सी। तो इन्होंने मेरे उत्ते कई इल्जाम लाने शुरू किए, मैं इस्तीफा दिता, अपनी जागो पार्टी बनाई है, अज जागो पार्टी के कैंडिडेट जोड़े ने सारी दिल्ली के खलोते ने, और जो लोगों का रिस्पोंस, और 1.5 साल जो कुछ असी कामयाब हुई है जागो पार्टी, ये अपने आप से मिसाल है। हम जिधर वोटा पैण की उस दिन समझ आएगी कि होएगा तो की नहीं होएगा। एक गल मैं जरूर कहूँगा कि मेरे तो इल्जाम लगे से मैं इस्तीफा देता से, सरसे से 3-3 FIR हो गई, LOC वो निकल गई, पुलिस ने कहता किसी एयरपोर्ट पर जाए तो अरेस्ट कर लो, इसको इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा, क्यों पकड़ के बैठा। थैंक यू ज़्यादा बहुत मेहरबानी जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।